लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करके इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून की मेजरमेंट करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपने कर लूँ। इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँ इंशाल्लाह। इसकी मैं आपको बीच बीच में लुक चेक फिनिश कर दिया, आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। इसको आप तोड़ कर दिखाऊँ, ये देखें बिल्कुल ये कुक है बिल्कुल अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम रियाज, आप देख रहे हैं रामन फूड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बेसन की टिक्की, सिंध में बनाए जाते हैं सिंधी स्टाइल, इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, मज़े मज़े की रेसिपीज आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। बेसन की टिक्की बना, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो आप देख लें। तकरीबन एक गिलास मेजर कर लें बेसन का, एक गिलास भरकर मैंने बेसन ले लिया। आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, अच्छी तरह इसको छान लीजिएगा। वरना तकरीबन 3 मीडियम साइज की प्याज थी, उनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, जिस तरह ऑमलेट में कटिंग होकर डाली जाती है प्याज, उस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। मसालों में 2 अदद सब्ज मिर्चें फाइनली चॉप हुई हुई, फाइनली चॉप्ड धनिया, फाइनली चॉप्ड आपने पुदीना ले लीजिएगा, 3 अदद ये हो गए। 3 इसमें मसाले ऐड होंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, या आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा। इसको इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपने प्याज ऐड कर देनी है। प्याज ऐड कर देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पहले प्याज के साथ मिक्स कर लीजिएगा। देन आपने इसमें सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें, पुदीना जो निकाल कर रखा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1 by 1 आपने ऐड कर देना है। इसी तरह आप देख रहे होंगे इसमें सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें, पुदीना ऐड कर दोबारा आपने इसको एक मरतबा मिक्स कर लेना है, ताकि ये थोड़ा सा मिक्सिंग की तरफ आ जाए। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें 1 by 1 मसाले, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करके दोबारा इसको 10 से 12 सेकंड के लिए अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम ज़्यादा पानी ऐड ना कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे वो बिल्कुल गाढ़ा बनाएंगे। इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। देन आपने इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अच्छी तरह मिक्स करना है साथ साथ, ताकि ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। अच्छी तरह इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स किया। आप इसकी थिकनेस देख रहे होंगे, अगर कैमरा दिखा सके, ये देखें इस पोजीशन पर आपने इसको ले आना है। देख रहे हैं सारी चीज़ें इसमें माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गई, घुल गई बिल्कुल। इसी तरह आपने इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है, ताकि इसकी हम जो टिक्की बनाएंगे मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। पैन आपने गरम कर लेना है, इसमें 2-3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है बस, ताकि इसकी प्यारी प्यारी सी हमने टिक्की बना लेनी है। इसी तरह आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। पैन को ग्रीस कर लेने के बाद आपने इसमें ऑयल यूं ही हल्का सा हीट हो जाएगा, तो आपने इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून की मेजरमेंट करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आपने इसको डालना है। इसी तरह आपने इसको हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से राउंड शेप दे देना है, ताकि ये बिल्कुल राउंड बने। आप देख रहे होंगे इसी तरह ये सारी बनेंगी माशाल्लाह, बहुत टेस्टी मज़ेदार ये बनती हैं। चावल के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए एक साइड से। देन हम इसकी साइड चेंज करेंगे, 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से बनाएंगे। आप देख रहे होंगे इसकी साइड, इंशाल्लाह ये पक जाए। साइड चेंज करके इसकी लुक चेक कराता हूँ।
इसकी मैंने साइड चेंज की, तकरीबन 2 मिनट बाद इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक पक जाए, क्योंकि बेसन ताकि कच्चा ना रहे। आपकी जब टिक्की ये बने तो बिल्कुल प्रॉपर अंदर तक बने। इसी तरह इसकी ये साइड भी कुक कर लूँ, इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँ। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको बीच बीच में लुक चेक कराता हूँ। एक मैंने बना ली, ये दूसरी मैंने इसमें ऐड की है, इसी तरह ये वाली भी बनेगी। तकरीबन 2 मिनट एक साइड से, देन आपने इसकी साइड चेंज करनी है। बहुत मज़ेदार बनेंगी इंशाल्लाह। इसकी भी आपको मैं लुक चेक कराता हूँ। इसको मैंने डिश आउट करके गार्निश कर दिया। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। इसको आप तोड़ कर दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल ये कुक है बिल्कुल अंदर तक, ये देखें। इसी तरह इसकी आप लुक चेक करें, बिल्कुल अंदर तक ये कुक हो चुकी है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, बहुत ये टेस्टी, चपाती के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी डिश बनती है। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई रेसिपीज के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। मुझे दें इजाज़त, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।